स्टूडेंट्स वेलकम टू JPS ऑनलाइन क्लासेस. आई होप यू ऑल आर वेल. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 7th साइंस. इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट डिस्कस किया था, उसे ही हम आज कंटिन्यू करेंगे. ओके, आर यू रेडी? सो प्लीज़ टेक आउट योर कोर्स बुक. क्लास 7th में पेज नंबर 6 साइंस की बुक का निकाल लीजिए आप. हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट. ठीक है, आपको स्टार्टिंग ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में पोषण. ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट पॉसेस द ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. कि जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं ना, जितने भी हरी पत्ते आपको दिखते हैं, ऐसे पौधे जो हरे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है. क्या पाया जाता है? पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. आप इसे रिपीट करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे तो बोल पाएंगे, मतलब थोड़ा सा टफ वर्ड होता है. क्या कहते हैं हम इसे? क्लोरोफिल. ओके, हैंस दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. इसीलिए क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड मैन्युफैक्चर मतलब बनाने के लिए एबल होते हैं, उस योग्य होते हैं कि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस, से हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण. सच प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोफस. तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जिसमें ग्रीन प्लांट होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसे प्लांट को हम प्रोड्यूसर कहते हैं. प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जो किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है. तो ये अपना फूड क्योंकि खुद बनाते हैं इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, या हम इन्हें ऑटोट्रोफस कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफस. ओके, तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, मतलब ना ऑटोमेटिक है, वो तो खुद ही चलता है ना. तो ऐसे ऑटो मतलब खुद करने वाला, ऑटो मतलब सेल्फ, एंड ट्रोफस मतलब न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी. हिंदी में क्या कहेंगे हम उसे? स्वपोषी. तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स. कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है फोटोसिंथेटिक एंड सेकेंड होता है कीमोसिंथेटिक. फोटो मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें लाइट होता है, प्रकाश होता है ना. तो फोटोसिंथेसिस को हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण. एंड कीमोसिंथेटिक मतलब कीमो मतलब केमिकल, है ना, रसायन से जो होता है सिंथेसिस, उसे हम क्या कहते हैं? कीमोसिंथेटिक. ओके, इतना आपको समझ आया. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सिंथेसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट अपना जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, बनाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिंदी में कहेंगे हम कार्बनिक रसायन, या जैसे कंपाउंड. ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक होता है और कंपाउंड मतलब घटक होता है. ठीक है, बाय सिंथेसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो किससे बनाते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड से. अब यहाँ पे आपको उसका फॉर्मूला याद रखना होगा. कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं CO2. क्या कहते हैं? CO2. आप चाहें तो अपनी नोटबुक भी निकाल सकते हैं, जो भी आपका क्लास वर्क या होमवर्क जिसमें भी आप नोट करते हैं, तो ये कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे आप राइट करते जाइए, ताकि आपको जब क्वेश्चन आंसर आप रिमेम्बर करेंगे तो ठीक से समझ आएगा आपको. ओके, सो प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट इन. कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहेंगे? CO2. एंड वाटर को हम क्या कहते हैं? H2O. ओके, तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब ये दोनों जो कंपाउंड है इनको हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं. ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया हमने और 12 H2 लिया. सनलाइट, अब एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. ऊपर लिखा हुआ सनलाइट, सनलाइट मतलब कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, जब भी ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं. ठीक है, तो सनलाइट है, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? जो ग्रीन प्लांट की लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, वो दोनों की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्या? सनलाइट, एंड सेकेंड क्या? क्लोरोफिल. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करने, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब C6H12O6, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज. क्या कहते हैं? ग्लूकोज. नोट कर लें आप अपनी कॉपी में, C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज.
इसमें आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है ना, नीचे लिखा हुआ है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मीन्स वाटर, एंड C6H12O6 ग्लूकोज, एंड 6H2 मीन्स वाटर, एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, कॉपी पे नोट ना भी करना चाहते हो तो आप पेंसिल लेकर बैठिए और इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि आपको इसे याद करना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द अबो इक्वेशन सो द प्रोसेस इन सिंपल फॉर्म। इन फैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म। ठीक है, किसमें ऑल टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड हैज़ अ स्वीट टेस्ट। कि जो ग्लूकोज होता है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि टेस्ट में स्वीट होता है, मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे और भी फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे आप राइस खाते हैं राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आलू खाते हैं पोटैटो खाते हैं ना, वो भी उसमें भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है ग्लूकोज। ऐसे ही सुक्रोज भी होता है, स्टार्च भी होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट की, बहुत सारे मतलब टाइप्स होते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वो आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड हैज़ अ स्वीट टेस्ट। शुगर इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वैसे जो शुगर होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब कि जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लाइक अ शुगर। स्टार्च इज ए मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च होता है, स्टार्च प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्च ऐसा होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारी यूनिट जब कार्बोहाइड्रेट के आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल कौन सा हुआ, स्टार्च। अगर आपसे कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट पूछता है तो आप क्या कहेंगे, ग्लूकोज। अगर कोई कॉम्प्लेक्स पूछता है तो क्या है, शुगर। एंड जब मोर कॉम्प्लेक्स कोई कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो क्या है, स्टार्च। सेलुलोज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सेलुलोज होता है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट से मिलकर बना होता है। तो जो सुक्रोज होता है, जो सेलुलोज होता है, सॉरी, सेलुलोज सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट होता है। ए लीफ हैज़ द सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ। ये जो एक पत्ती होती है, ठीक है, एक प्लांट की, जो ग्रीन प्लांट की जो पत्ती होती है उसमें सेलुलोज भी होता है और स्टार्च भी होता है, दोनों होता है। मतलब हमें कितना ज़्यादा, अगर आप किसी पत्ती को खाते हैं ना, सब जो डॉक्टर्स होते हैं जब आप बीमार हो जाते हैं, आप किसी चीज़ की आपको डिफिशियंसी होती है, मतलब कमी होती है, तो वो आपको क्या सजेस्ट करता है कि आप हरी पत्तीदार सब्जी खाइए, क्योंकि हरी पत्तियों में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें आपको पता चला ना, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च और सेलुलोज, वो भी इन पत्तियों में प्रेजेंट होता है। तो ये फ्रूट हैज़ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट मेन कंटेन इज अ ग्लूकोज। ऐसे जो फ्रूट होता है वो भी सभी टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करता है, मतलब सभी टाइप के कार्बोहाइड्रेट उसमें पाए जाते हैं, बट जो मेन कंटेंट होता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, कि हमें अच्छी एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ओके, जैसे आपको जो डॉक्टर्स होता है वो आपको प्रेफर करते हैं ना कि आपको फूड और वेजिटेबल्स खाना है, क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरी वाले होते हैं और हेल्दी होते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, मोर सो इन ग्रीन लीव्स एज दे आर बेटर सूटेड फॉर द पर्पस। कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हर ग्रीन प्लांट में होता है, जिसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी होती हैं, वो पूरी बॉडी इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 फेजेस। कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, मतलब उसके 2 चरण होते हैं, उन 2 चरणों में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और सेकेंड जो होता है डार्क रिएक्शन जो कि सनलाइट की अब्सेंस में होता है। ओके, तो 2 टाइप्स का हो गया, एक लाइट रिएक्शन हो गया और एक डार्क रिएक्शन हो गया। लाइट मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और डार्क मीन्स सनलाइट की अब्सेंस में होता है। सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, सारे पौधे हरे होते हैं क्या, नहीं होते। सम प्लांट्स कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब हरे पौधे नहीं होते हैं। डू नॉट हैव क्लोरोफिल, वो हरे नहीं है, दैट मीन्स कि उनकी लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वो प्रेजेंट नहीं है। दस दे आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड, इसलिए वो जो अपना फूड है मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब बनाने के लिए एबल नहीं होते हैं। तो दे आर कॉल्ड अ हेटरोट्रोफस, इसे हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रोफस, मतलब ये अपना फूड खुद बना नहीं पाते, अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। एंड डिपेंड ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, और ये क्या होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्ते ही नहीं होती हैं, जैसे अमरबेल, देखा होगा आपने है ना, अपने आसपास कहीं पेड़ों पर वो लपटी होती है ऐसे, है ना, पूरी बेल की तरह होती है, धागे की तरह, और ऐसे लिपटी होती है, तो उसमें
पत्ती नहीं होती है, मतलब वो क्या है, एक हेटरोटोपस है, मतलब वो खुद अपना फूड नहीं बना सकती है, अपने फूड के लिए वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। ओके, दस दे आर नॉट प्रोड्यूस बट कंज्यूमर्स, तो ये प्रोड्यूस नहीं करते बट कंज्यूम करते हैं, मतलब भोजन बनाते तो नहीं बाकी उपभोग करते हैं उसका, कंज्यूम करना मतलब उपभोग, खाना उसको, है ना। ऐसे आप अपना फूड खुद नहीं बनाते बट कंज्यूमर हैं, आप उस फूड को खाते तो हैं। तो ऐसे ही जो और कुछ और भी प्लांट होते हैं जो कि हेटरोट्रोफस होते हैं, वो ऑटोट्रोफस नहीं होते, मतलब अपना फूड बनाते तो नहीं हैं बट कंज्यूम करते हैं। द हेटरोट्रोफस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, कि अलग अलग टाइप्स के हेटरोट्रोफस होते हैं। पहला इसमें है आपका स्पैरोफाइट्स, दिस आर द ऑर्गेनिज्म्स दैट ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द, ठीक है। तो जो कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी समझते हैं ना, मृत जीव, ठीक है, वो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं या सड़े गले प्लांट्स हो सकते हैं, उनसे अपने फूड को लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पैरोफाइट्स। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, फंगी, मशरूम, मोनोट्रोपा। द स्पैरोफाइट्स आर जनरली सीन ग्रोइंग ड्यूरिंग ऑफ आफ्टर रेनी सीजन, आपने रेनी सीजन अभी चल रहा है, बारिश हुई है, आपने देखा होगा कई जगह ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे मशरूम का तो अधिकतर दिखाई देता ही है, मेरे कुछ बैक्टीरिया फंगी भी होते हैं, फंगस लगते हुए देखा ना आपने, ब्रेड वगैरह पे लगता है, ग्रीन सा दिखता है, फफून जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, तो उस टाइप से वो क्या होता है, स्पैरोफाइट्स होते हैं, मतलब ये किसी और पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पैरोफाइट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके पेज नंबर 6 पे, अगला टॉपिक आपका क्या है, देखो देखो मशरूम का आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये एक मोनोट्रोपा है, ये भी हमको बारिश में दिखाई देता है, ठीक है। और सेकंड आपका है एग्रिकस मशरूम होता है, जो अदर किसी प्लांट के आसपास में आपने इसको रेनी सीजन में देखा होगा, तो ये क्या है, स्पैरोफाइट्स होते हैं। सेकंड आपका टॉपिक होता है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स को हम हिंदी में परजीवी कहते हैं। दिस आर द ऑर्गेनिज्म्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म्स, की पैरासाइट्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। द अदर ऑर्गेनिज्म्स ऑन हूज बॉडी द पैरासाइट ग्रो एंड लाइव आर कॉल्ड अ होस्ट, ये जो होते हैं ये किसी लाइव पर, है ना, किसी जो लाइव ऑर्गेनिज्म से या कोई प्लांट है उस पर डिपेंड होते हैं, और जिस पर डिपेंड होते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट। पैरासाइट्स आर टू टाइप्स, सेमी पैरासाइट एंड टोटल पैरासाइट, ये दो टाइप्स का होता है, एक आंसी मतलब थोड़ा सा डिपेंड है ना, इसे हम क्या कहेंगे, सेमी पैरासाइट्स, और कुछ क्या होते हैं पूरी तरीके से टोटली एकदम पूरी पूरी तरीके से डिपेंड है, उसे हम क्या कहेंगे, टोटल पैरासाइट। ओके, आया समझ आपको इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के आगे टोटल पैरासाइट्स क्या होता है, ये आपके पेज नंबर 6 का लास्ट पैराग्राफ है। टोटल पैरासाइट्स आर द वंस हु लिव ऑन द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, की जो टोटल पैरासाइट्स होते हैं वो किसी और पर डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द होस्ट, और जिसके ऊपर ये डिपेंड है उसको हम कहेंगे होस्ट, वो प्लांट भी हो सकता है या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है। ओके, दिस पैरासाइट ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, और ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो किससे लेते हैं, होस्ट से। जैसे इसमें एक अमरबेल होती है, अभी मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल बताया था, जैसे हम जो साइंटिफिक नाम है उसका ऐसे अमरबेल है ना, ऐसे हम अब यहाँ पे इसको हम अमरबेल कहते हैं, कहीं और पे इसका अलग नाम होता है, तो एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड में हम उसको उसी नाम से जानते हैं। तो जो अमरबेल का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कॉस्कोटा। तो अमरबेल जो है बैक्टीरिया या फंगी किसी पे भी होस्ट, इसका होस्ट हो सकता है। टोटल पैरासाइट लाइक क्लोरोफिल, दस दे आर टोटली डिपेंड ऑन होस्ट फूड फूड एंड वाटर, कि जो टोटल पैरासाइट होते हैं ये इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए पूरी तरीके से टोटली डिपेंड होते हैं होस्ट पे अपने, होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये सर्वाइव करेंगे। ओके, तो ये फूड और वाटर के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, अपने होस्ट पर। जैसे अमरबेल है वो जिस भी प्लांट पर लिपटी होती है ना, धागे के रूप में, देखा आपने पीले कलर में येलो येलो दिखती है, तो ये अपने फूड एंड वाटर के लिए पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, एक प्लांट होस्ट पर, उसको वो क्या कहेगी, अपना होस्ट कहेगी। ओके, सेमी पैरासाइट है ग्रीन लीव्स विच दे कैन मैन्युफैक्चर द रोमन फूड बट ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच दे ग्रो थ्रू देयर स्पेशल रूट्स कॉल्ड अ होस्टोर या मिसटेलिटस विच ग्रो ऑन मैंगो महुआ ट्री, दिस इज कॉल्ड ए पार्शियल पैरासाइट्स। तो जो सेमी पैरासाइट्स होते हैं उसमें पत्तियाँ तो ग्रीन पाई जाती हैं बट उनके लिए को जो वाटर और मिनरल चाहिए होता है उसके लिए वो किसी और पर डिपेंड होता है, मतलब आधा तो वो खुद कर लेते हैं पर आधी जो उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो किसी और पर डिपेंड है, तो उसे हम कहते हैं सेमी, आंशिक रूप से सिर्फ थोड़ा सा डिपेंड है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल पैरासाइट या सेमी पैरासाइट पे कहते हैं। तो जिस तरीके से आपने मैंगो या महुआ का जो पेड़ होता है उसमें
देखे होंगे कि उसके जो रूट्स में लगे होते हैं और जिनको जो मिनरल और वाटर होता है वो वहाँ से लेते हैं, और जो हाफ उसमें जो ग्रीन प्लांट होती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस तो होता है बट जो मिनरल्स और वाटर की ज़रूरत होती है वो किसकी हेल्प से होता है, होस्ट की हेल्प से। अब नेक्स्ट आपका होता है इंसेक्टिवायरस। इंसेक्टिवायरस मतलब कि कीट भक्षी जो कि कीटों को खाते हैं। ओके, तो इंसेक्टिवायरस क्या होता है, सर्टेन ग्रीन प्लांट्स गोइंग इन मार्शल प्लेस आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओवन फूड, कि कुछ जो इंसेक्टिवायरस होते हैं कीट भक्षी पौधे जिसको हम कहते हैं वो ग्रीन प्लांट तो होते हैं और वो मार्शल प्लेस मतलब जहाँ थोड़ा दलदली ज़मीन होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं और अपना जो फूड है उसको प्रिपेयर करने में कैपेबल होते हैं, योग्य होते हैं। दे डिराइव देयर नरिशमेंट पार्शली फ्रॉम द सॉइल एंड एटमोसफेयर एंड पार्शली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, बट ये जो उनका नरिशमेंट होता है मतलब जो उनको पोषण चाहिए होता है वो उसके लिए पार्शली मतलब कुछ पार्ट उसका डिपेंड होते हैं सॉइल और एटमोसफेयर पर और उसके स्मॉल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे लेते हैं अपना, मतलब इनमें ग्रीन ऑटोट्रोफस तो है ही है ना, इनमें फोटोसिंथेसिस तो होता ही है, बाकी फिर भी इन्हें नरिशमेंट की ज़रूरत होती है तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, है ना। अब आप बोलेंगे प्लांट कैसे इंसेक्ट को खाता है, बट हाँ कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, छोटे छोटे कीट को खाते हैं। मतलब जैसे आपको पेज नंबर 7 पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अभी हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो वो क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से बना होता है कि जैसे उस पर कोई कीट आके बैठता है और वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसमें जितने भी नरिशमेंट होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो इस टाइप से ये क्या है, पार्शली उन पर डिपेंड होते हैं, इंसेक्टिवायरस कहते हैं। दे कैच इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजनस सब्सटेंट इन द प्रोसेस स्पेशलाइज लिव टू ट्रैप इंसेक्ट, एग्जाम्पल पीचर प्लांट एंड सनड्यू एंड ब्लेंडर वॉटेड्स। तो इस टाइप के आपको तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि इंसेक्टिवायरस हैं और अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पर, फूड तो इन्हें मिल ही जाता है बट अपने नरिशमेंट के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। ओके, दिख रहा है आपको पेज नंबर आपके 7 पर आपको तीन डायग्राम दिख रहे हैं। पीचर प्लांट है ना, इसको कलस पादप भी कहते हैं हम। पीचर प्लांट है, ब्लेंडर वॉट है, डाइनिया और ड्रोशा है। ये क्या करते हैं, जो भी कीट इनके ऊपर आता है, इसमें दिख रहा है आपको ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है इसका, तो उसके ऊपर कोई कीट आता है तो बैठ जाता है, बैठने के बाद जैसे एब्जॉर्व कर लेता है उसमें जितना भी नरिशमेंट होता है ये इसको पूरा एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब उसको खाता है। तो उसे हम हिंदी में कहते हैं कीट भक्ष और इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्टिवायरस। ओके, नेक्स्ट आपका जो होता है वो है सिम्बायोसिस। तो हम सिम्बायोसिस को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, जो जो टफ वर्ड है उसे बार बार रिपीट करिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और फिर बार बार इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो जो आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप 2-3 बार लिख कर देखना, उसको अच्छे से स्टडी करना, और हम सिम्बायोसिस को लास्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।